ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मुने इंद्र आदि वारह आदित्य तथा उपेंद्र बामन आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए हैं, जो महान बल पराक्रम से संपन्न है। ब्राह्मण इंद्र का पुत्र जयंत हुआ, जिसका जन्म सची के गर्भ से हुआ था। आदित्य सूर्य की पत्नी तथा विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा के गर्भ से सनैश्वर्य और यम नामक दो पुत्र तथा कालिंदी नाम वाली एक कन्या हुई। उपेंद्र के वीर्य और पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर भगवान उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाकर सौती जी बोले, मंगल की पत्नी मेधा हुई, जिसके महान पुत्र घंटेश्वर तथा विष्णुतुल्य तेजस्वी व्रणदाता हुए। दिति से महाबली हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नाम वाली कन्या का जन्म हुआ। सिंहिकेय राहु सिंहिका का ही पुत्र है। सिंहिका का दूसरा नाम निरशति भी है, इसलिए राहु को निरशति कहते हैं। हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी, वह युवा अवस्था में ही भगवान वाराह के हाथों मारा गया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, जो वैष्णवों में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र साक्षात राजा बलि, बलि का पुत्र वाणासुर हुआ, जो महान योगी ज्ञानी तथा भगवान शंकर का सेवक था। यहाँ तक दिति का वंश बताया गया। अब कद्र के वंश का परिचय सुनिए। अनंत वासुकी कालीय धनंजय करकोटक तक्षक पद्म एरावत महापद्म शंकु शंख संवर्ण धृतराष्ट्र दुर्धर्ष दुर्जय दुर्मुख बल गोक्ष गोकामुख तथा विरूप आदि को कद्र ने जन्म दिया था। शौनक जी, जितनी सर्प जातियां हैं उन सब में प्रधान यही हैं। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी कद्र की कन्या हैं। ये तपस्विनी स्त्रियों में श्रेष्ठ कल्याण स्वरूपा और महातेजस्विनी हैं। इन्हीं का दूसरा नाम जरत्कारु है। इन्हीं के पति मुनिवर जरत्कारु थे, जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे। विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक इन्हीं मनसा देवी के पुत्र हैं। इन सबके नाम मात्र से मनुष्यों का नागों से भय दूर हो जाता है। यहाँ तक कद्र के वंश का परिचय दिया गया। अब बिनता के वंश का वर्णन सुनिए। बिनता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुण। दोनों ही विष्णु तुल्य पराक्रमी थे। उन्हीं दोनों से क्रमशः सारी पक्षी जातियां प्रकट हुईं। गाय बैल और भैंसे ये सुरभि के श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सारमेय कुत्ते शर्मा के वंशज हैं। धनु के वंश में दानव हुए तथा अन्य स्त्रियों के वंशज अन्यान्य जातियां हैं। यहाँ तक कश्यप वंश का वर्णन किया गया। अब चंद्रमा का आख्यान सुनिए। पहले चंद्रमा की पत्नियों के नाम पर ध्यान दीजिए, फिर पुराणों में जो उनका अत्यंत अपूर्व पुरातन चरित्र है उसको श्रवण कीजिए। अश्विनी भरिणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पूजनीया साध्वी पुनर्वशु पुष्या आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवणा धनिष्ठा शुभा शतभीषा पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती, ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को 6 रोग से ग्रस्त होने का साप दे दिया। चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की शरण ली और शंकर जी ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक में स्थान दिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक दूसरा कोई नहीं है। अपने पति के रोग मुक्त
और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगीं और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष की शरण में आ गईं। वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वे उच्च स्वर से रोने लगीं तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनता पूर्वक कातर वाणी में बोली। दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी, हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चल दिए। तात, नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकार पूर्ण दिखाई देता है। आज यह बात समझ में आई है कि स्त्रियों का नेत्र वास्तव में उनका पति ही है, पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण तथा संपत्ति है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का हेतु तथा भवसागर का सेतु भी पति ही है, पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पति से विमुख हैं उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है, समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पूर्णिमय व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास और समस्त तप, ये पति की चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि स्वामी का अंश है, पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई वही स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है। जिसका चित्त चंचल और दुष्ट है वही सदा पर पुरुष में आसक्त होती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री को सदा उसकी सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती या उसे त्याग देती है वह तब तक कालसूत्र नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े रात दिन उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है तथा प्यास लगने पर मूत्र का पान करती है। तदंतर कोटि सहस्र जन्मों तक गिद्ध, 100 जन्मों तक सुअर, फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारिन होती है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। ब्रह्म कुमार, आप हमें पति दान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होता है। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। कन्याओं का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम किया। शिव को प्रणाम करते देख दक्ष ने दुर्धर्ष क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपा निधान शंकर जी से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दें। शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। तब दक्ष उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। यह देख शिव जी ने भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव जी से बोले, सुरेश्वर, आप चंद्रमा को लौटा दें और दक्ष के शाप से अपनी रक्षा करें। शिव जी ने कहा, प्रभो, मैं अपने तप, तेज, संपूर्ण सिद्धि, संपदा तथा प्राणों को भी दे दूंगा, परंतु शरणागत का त्याग करने में असमर्थ हूँ। जो भय से ही शरणागत को त्याग देता है उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यंत कठोर शाप देकर चला जाता है। जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्म से हीन है वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान, आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझे ऐसी बात कहते हैं? आप सबके सृष्टा, पालक और अंततोगत्वा संहारक हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसे किससे भय हो सकता है? शंकर जी की यह बात सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्रीहरि ने चंद्रमा से चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया।
आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहां रोग मुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया, जिसे भगवान विष्णु ने दिया था। उस चंद्रमा को राजा यक्ष्मा रोग से ग्रस्त देख दक्ष ने माधव का स्तवन किया। तब श्री हरि ने स्वयं यह व्यवस्था की कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्ष में क्रमशः पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण उन सबको वर देकर श्री हरि अपने धाम को चले गए और दक्ष ने चंद्रमा को लेकर उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दिया। चंद्रमा उन सबको पाकर दिन रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिन से उनको समभाव से देखने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने यह संपूर्ण शिष्टक्रम का कुछ वर्णन किया है। इस प्रसंग को पुष्कर तीर्थ में मुनियों की मंडली के बीच गुरु जी के मुख से मैंने सुना था। जाति और संबंध का निर्णय। तदंतर सौति जी ने मुनि श्रेष्ठ बालखिल्यादि बृहस्पति उतथ्य पराशर विश्वा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वात्स्य सांडिल्य सावर्णी कश्यप तथा भरद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अनेकानेक वर्ण शंकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्वनी कुमार के द्वारा एक बार ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित स्त्री का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्वनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य और वेश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट भाट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनका जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में मैं वेदोक्त तत्वों का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था। पिता तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा माता जननी और प्रसु इनका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को प्रपितामह। इनसे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामह के पिता को वृद्ध प्रमातामह कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामही की सास को वृद्ध प्रपितामही जानना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई हैं, वह माता के समान ही पूजित होती हैं। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। प्रमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध प्रमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य ताऊ चाचा और माता के भाई को मातुल मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृस्वसा फुआ कही गई हैं और माता की बहन मासुरी मातृस्वसा या मौसी सुनु तनय पुत्र दायद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धनभाग और बीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित हैं। पुत्र की पत्नी को वधु बहु जानना चाहिए और पुत्री के पति को जामाता दामाद प्रियतम। पति के अर्थ में पति प्रिय
भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को ननांदा ननद, पति के पिता को श्वशुर और पति के माता को श्वश्रु सास कहते हैं। भार्या जाया प्रिया कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को शालक साला और पत्नी की बहन को शालिका साली कहते हैं। पत्नी की माता को श्वश्रु सास तथा पत्नी के पिता को श्वशुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा या सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भागिनी भगिना या भांजा कहते हैं और भाई के बेटे को भातृज भतीजा। बहनोई के अर्थ में आबुत भगिनी कांत और भगिनी पति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साढ़ू भी अपने भाई ही हैं क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। मुने ससुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य हैं। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विद्यादाता और जन्मदाता ये पांच मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी बहिन गुरुपत्नी माता सौतेली माँ बेटी बहू नानी दादी सास माता की बहिन पिता की बहिन चाची और मामी ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का। प्रपौत्र के भी जो पुत्र आदि हैं वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दौहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भानजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरु पुत्र तथा भाई जिन्हें पोष्य एवं परम बांधव कहा गया है। मुने गुरुपुत्री और बहन को भी पोष्या तथा मातृतुल्या माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, यह पोष्य तथा सुदृघ्न बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर के साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुसृग्ध बांधव माना गया है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व भाई का सा व्यवहार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। दैववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है। जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर इस भूतल पर मनुष्यों के विद्या जनित योनि जनित और प्रीति जनित ये तीन प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीति जनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और मित्र के पिता मनुष्य के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं। सूर्य के अनुरोध से सूतपा का अश्वनी कुमारों को शाप मुक्त करना तथा संध्या निरत वैष्णव ब्राह्मण की प्रशंसा। सौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत नंदन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके शेष जीवन में कौन सा कार्य किया? अश्वनी कुमारों के नाम क्या हैं? वे दोनों किसके वंशज हैं? सौत जी बोले, ब्राह्मण उन ब्राह्मण देवता का नाम सूतपा था। वे भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुए बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रहकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्रह्म तेज से जाजल्यमान दिखाई देते थे। एक दिन उन्हें सहसा आकाश में क्षण भर के लिए श्री कृष्ण ज्योति का दर्शन हुआ। उस बेला में उन्होंने भगवान से यह वर मांगा, प्रभो मैं आत्मनिष्ठ हो प्रकृति से परे सर्वथा निर्लिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भगवान से उनकी अविचल दास भक्ति के लिए याचना की। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण पहले स्त्री परिग्रह विवाह करो, उसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास्य भक्ति दूंगा। तदंतर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। मुनि प्रवर सौनक उसके गर्भ से
कल्याण मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के स्मरण मात्र से किसी को अपने ऊपर वज्र या बिजली गिरने का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याण मित्र के स्मरण से निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति हो जाती है जिनका दर्शन असंभव होता है। तदंतर महामुनि सूतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्वापराध का स्मरण हो जाने से सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार को भी शाप दिया, देवाधम तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाग से वंचित और अपूज्य हो जा, तेरा अंग व्याधिग्रस्त और जड़ हो जाए, तू अकीर्तिमान कलंकयुक्त हो जा। यो कहकर सूतपा अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ घर चले गए। तब सूर्य देवता दोनों अश्विनी कुमारों के साथ उनके निकट गए। सौनक त्रिलोकीनाथ सूर्य ने अपने रोगग्रस्त पुत्र के साथ मुनिवर सूतपा का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा। सूर्य जी बोले, भगवन, युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु रूप ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भरद्वाज, आप मेरे पुत्र का अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मण के ही दिए हुए फल फूल और जल आदि का उपभोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोक में पूजित होते हैं। ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि ही प्रकट होते हैं। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर साक्षात नारायण देव संतुष्ट होते हैं तथा नारायण देव के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकर जी से बड़ा वैष्णव नहीं है और पृथ्वी से बढ़कर कोई सहनशील नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वती जी से बढ़कर सती साध्वी स्त्री नहीं है। दैव से बड़ा कोई बलवान नहीं है और पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रोग के समान शत्रु गुरु से बढ़कर पूजनीय, माता के तुल्य बंधु और पिता से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं है। सूर्य का यह वचन सुनकर भरद्वाज सूतपा मुनि ने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल से उनके दोनों पुत्रों को रोग मुक्त कर दिया। फिर कहा, देवेश्वर, आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। यों कह सूतपा मुनि ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत हो श्री हरि की सेवा में मन लगाकर गंगा जी के तट को प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान सूर्य दोनों पुत्रों के साथ अपने धाम को चले गए। विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है वही भगवान विष्णु के समान वंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो तो वह आदर का पात्र नहीं है। जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है उस ब्राह्मण का चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। जो नित्य प्रति भगवान को भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्य को मुख में ग्रहण करता है वह इस भूतल पर परम पवित्र एवं जीवन मुक्त है। कुलीन द्विजों का जो अन्न जल भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वह मलमूत्र के समान है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र सनकादि सभी विष्णु पारायण हैं, फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्री हरि से विमुख कैसे हो सकता है। माता पिता नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं वे जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बंधु है जो श्री हरि के भजन की बुद्धि सलाह नहीं देता। विप्रवर अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधु गुणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता अथवा भगवान विष्णु से विमुख रहता है वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्प को सर्पाभास मात्र कहा गया है उसी तरह संध्या कर्म अथवा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मण ब्राह्मणाभास मात्र है। वैष्णव पुरुष अपने कुल की करोड़ों और नाना आदि की सैकड़ों पीढ़ियों के साथ
भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वैष्णव जन सदा गोविंद के चरणारविंदों का ध्यान करते हैं और भगवान गोविंद सदा उन वैष्णवों के निकट रहकर उन्हीं का ध्यान किया करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिंत नहीं होते, इसलिए स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। ब्रह्मा जी की अपूज्यता का कारण गंधर्वराज की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा नारद जी का उनके पुत्र रूप से उत्पन्न हो उपवरहण नाम से प्रसिद्ध होना, तदंतर सौनक जी के पूछने पर सौति जी ने कहा, ब्राह्मण हंस यति अरण्य बोढ़ पंचसिख अपांतरतमा तथा सनक आदि इन सबको छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार जिनकी संख्या बहुत अधिक थी सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न हो प्रजा की सृष्टि करके गुरुजनों पिता आदि की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के शाप से अपूज्य हो गए, इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के शाप से उपबरहण नामक गंधर्व हो गए। उनके वृतांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनिए। इन दिनों जो गंधर्व राज थे वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे, उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहाँ उत्तम समाधि लगाकर अथवा अत्यंत एकाग्रता पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान वशिष्ठ मुनि ने गंधर्व राज को शिव के कवच स्त्रोत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घ काल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल हैं। शरण में आए हुए भक्तों को वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे, उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिस ले रखे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी। उनके तीन नेत्र थे और उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाए हुए सुवर्ण की प्रभा को छीन लेता था। कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं, वे ही काल और मृत्युंजय हैं। वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। शांत स्वरूप शिव तत्वज्ञान मोक्ष तथा हरिभक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के दिए हुए स्त्रोत्र से उन परमेश्वर का स्तवन किया। तब कृपा निधान शिव जी उससे बोले, गंधर्वराज तुम कोई वर मांगो। तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्रीहरि की भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दीनों के स्वामी दीनबंधु सनातन भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दीन सेवक से बोले, श्री महादेव जी ने कहा, गंधर्वराज तुमने जो एक वर हरि की भक्ति को मांगा है उसी से तुम कृतार्थ होगे। दूसरा वर जो चबाए हुए को चबाना मात्र है, वत्स जिसकी श्री हरि में सुदृढ़ एवं सर्व मंगलमयी भक्ति है, वह खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और नाना के कुल की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। करोड़ों जन्मों में उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वह अवश्य ही पूर्ण भोग तथा श्री हरि की सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्यों को
तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभिष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक कि उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लंघ्य खड़ग मानवों के कर्म में वृक्षों का मूलोच्छेदन कर डालता है। जिस पुण्यात्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं उनके वे पुत्र लीला पूर्वक कुल की बहुसंख्यक पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अहो, एक वर से ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है, दूसरे वर की क्या आवश्यकता है। लोगों को मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती। हमारे पास वैष्णवों के लिए दुर्लभ धन संचित है। श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास्य सुख हम लोग दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं होते। वत्स, जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो, अथवा इंद्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्म पद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान, यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहाँ श्री हरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर की यह बात सुनकर गंधर्व के कंठ, होठ और तालु सूख गए। वह अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों के दाता दीनेश्वर शिव जी से बोला। गंधर्व ने कहा, प्रभो, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है वह ब्रह्म पद स्वप्न के समान मिथ्या एवं क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव, इंद्रत्व, अमरत्व, सिद्ध योग आदि अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को अभिष्ट नहीं है। श्री हरि के सालोक्य, सारष्टि, सामिप्य और सायुज्य तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णवजन नहीं लेना चाहते। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभो, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्री हरि का दास्य सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर मांगता है वह बर्बर है। संभो, यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर यह उपयुक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्व की यह बात सुनकर भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान भगवान शंकर उस दीन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर जी ने कहा, गंधर्वराज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास्य सुख तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति इस श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो, खिन्न न हो। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर, यौवन से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होगा। मुने, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अपने धाम को चले गए और गंधर्वराज संतुष्ट होकर अपने घर को लौटे। अपने कर्म में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उस गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से भारतवर्ष में नारद जी ने जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व पत्नी ने गंधमादन पर्वत पर अपने पुत्र का प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यथोचित रीति से बालक का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का वह मंगलमय संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ। उप शब्द अधिक अर्थ का बोधक है और पुलिंग वरहण शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह बालक पूज्य पुरुषों में सबसे अधिक है, इसलिए इसका नाम उपवरहण होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। ब्रह्मा जी के शाप से उपवरहण का योग धारणा द्वारा अपने शरीर को त्याग देना, मालावती का विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत होना, आकाशवाणी द्वारा भगवान का आश्वासन पाकर देवताओं का कौशिकी के तट पर मालावती के दर्शन करना। सौत जी कहते हैं, सौनक जी, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्व राज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समय अनुसार बड़े होने पर
उपवरहण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडकी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सब की सब मोहित हो गईं। उन सब ने उपवरहण को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। उपवरहण ने दीर्घ काल तक उन सबके साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपवरहण के मन में वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ, फिर समयानुसार वैष्णव का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपवरहण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने इड़ा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। इड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञानप्रदा, मनः संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेज, शुष्ककरी, बल पुष्टिकरी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभनकारिणी, सर्व प्राणहारा तथा पुनर्जीवनकारिणी, इन 16 नाड़ियों का छेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लगाकर वे योगासन में बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जातिस्मर पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले योगी राज उपवरहण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाली दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध अस्फटिक की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप परात्पर परब्रह्म में श्री कृष्ण इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिरहाना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों पैर फैला दिए और इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा है। उनके पिता गंधर्व राज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दिए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपवरहण के सगी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगे। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए। उपवरहण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी थी वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोदन करने लगी। भांति भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्भव ब्रह्मा जी का यह कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधव नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी, दिक्पालों, हे धर्म, हे प्रजापते, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई। प्रियतम को अपने वक्षस्थल से लगाकर पूरे 1 दिन और 1 रात वह अचेत अवस्था में वहां पड़ी रही। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातः काल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्रीहरि को संबोधित करके पुनः वहां इस प्रकार कहा। मालावती बोली, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ
स्वामी तथा संरक्षक हैं। नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। प्रभो, आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पति हैं और मैं इनकी स्त्री हूँ। इस प्रकार जो इदम और मम का भाव उत्पन्न होता है, वह आपकी माया की ही करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपबरहण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा प्रभो, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्मों के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बात देखी जाती है। आत्मा राम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसलिए साधु पुरुष महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का, जहाँ आपत्ति या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित पति प्रदान करें। मैं अमरत्व नहीं चाहती, इंद्रप्रद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राण बल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। जगदीश्वर, इस पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण ब्रह्मा महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण साप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं अब तुम लोग जाओ, यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करके तथा तुम लोगों को साप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्रनील आदि मणियों के आभूषण से उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मी की कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी। भाल देश में सिंदूर की वेदी शोभा दे रही थी। वह शरत काल के चंद्रमा की शांत प्रभा से प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा से उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुरम्य वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी। प्राण बल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए हुए थी। मनोहर चंपा की सी अंग कांति बिंब फल के सदृश अरुण होष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी।
वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्म भीरु थे, अतः क्षण भर वहां अपने आप को छिपाए खड़े रहे। ब्राह्मण बालक रूपधारी विष्णु का मालावती के साथ संवाद। ब्राह्मण के पूछने पर मालावती का अपने दुख और इच्छा को व्यक्त करना तथा ब्राह्मण का कर्म फल के विवेचन पूर्वक विभिन्न देवताओं की आराधना से प्राप्त होने वाला फल का वर्णन करना, श्री कृष्ण एवं उनके भजन की महिमा बताना। सौती जी कहते हैं, मुने क्षण भर वहां खड़ा रहकर परम मंगलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावती के निकट गए। देवताओं को आया देख पतिव्रता मालावती ने अपने प्राण बल्लभ को उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात वह फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच में वहां उस देव समाज के भीतर कोई ब्राह्मण बालक आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी, दंड छत्र श्वेत वस्त्र और उज्जवल तिलक धारण किए हुए तथा हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक लिए वह ब्राह्मण कुमार अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह परम शांत जान पड़ता था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विष्णु की माया से विस्मित हुए देवताओं की अनुमति ले वह वहीं देव सभा के मध्य भाग में बैठ गया और तारामंडल के बीच में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। वह ब्राह्मण बालक समस्त देवताओं तथा मालती मालावती से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? जगत की सृष्टि करने वाले साक्षात विधाता यहाँ किस कार्य से आए हैं? समस्त ब्राह्मणों का संहार करने वाले स्वयं सर्वव्यापी शंभु भी यहाँ विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? तीनों लोकों के समस्त कर्मों के साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं, यह महान आश्चर्य है। सूर्य चंद्रमा अग्नि काल मृत्युकन्या तथा यम आदि का समागम ही यहाँ किस लिए संभव हुआ है? हे मालावती, तुम्हारी गोद में अत्यंत सूखा हुआ शव कौन है? जीती जागती स्त्री के पास मरा हुआ पुरुष क्यों है? उस सभा में देवताओं तथा मालावती से ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण बालक जब चुप हो गए तब मालावती उन विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम करके यूं बोली। मालावती ने कहा, मैं ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिए हुए जल और पुष्प मात्र से संपूर्ण देवता तथा श्री हरि भी संतुष्ट होते हैं। प्रभो, मैं शोक से आतुर हूँ, आप मेरे इस निवेदन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग्य और अयोग्य पर भी कृपा करने वाले संत महात्माओं का अनुग्रह सदा सब पर समान रूप से प्रकट होता है। विप्रवर, मैं उपवरहण की पत्नी तथा चित्ररथ की कन्या हूँ, मुझे सब लोग मालावती कहते हैं। मैंने लक्ष्य दिव्य वर्षों तक अपने इन स्वामी के साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थानों पर स्वच्छंद क्रीड़ा की है। द्विजेंद्र, आप विद्वान हैं, साध्वी युवतियों का अपने प्रियतम के प्रति जितना स्नेह होता है वह सब आपको शास्त्रों के अनुसार विदित है। मेरे पति ने अकस्मात ब्रह्मा जी का शाप प्राप्त होने के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया है, अतः मैं देवताओं से यह उद्देश्य रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं। पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए व्यग्र रहते हैं, वे लाभ हानि को नहीं जानते, केवल स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं। सुख दुख भय शोक संताप ऐश्वर्य परमानंद जन्म मृत्यु और मोक्ष ये सब मनुष्यों को अपने कर्म एवं प्रयत्न के अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं, वे ही कर्मों का फल देते हैं, साथ ही वे लीला पूर्वक कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेदन करने में भी समर्थ होते हैं। देवता से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, देवता से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, देवता से बढ़कर दयालु और दाता भी दूसरा कोई नहीं है। मैं समस्त देवताओं से याचना करती हूँ, वे मुझे प्रतिदान दें, यही मुझे अधिष्ट है।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल देने वाले देवता कल्प वृक्ष रूप हैं, इसलिए मैं इनसे याचना करती हूँ ये मेरा मनोरथ सफल करें। यदि देवता लोग मुझे अधिष्ट प्रतिदान देंगे तब तो इनका भला है, अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही स्त्री के वध का पाप दूंगी। इतना ही नहीं, मैं इन सबको दारुण एवं दुर्निवार साप भी दे सकती हूँ। सती के शाप को टालना बहुत कठिन होता है, किस तपस्या से उसका निवारण किया जाएगा। शौनक जी ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालावती उस देव सभा में चुप हो गई। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उससे कहा। ब्राह्मण बोले, मालावती, इसमें संदेह नहीं कि देवता लोग कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु वह फल तत्काल नहीं देर से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं देर से पाता है, पतिव्रते गृहस्थ पुरुष हलवाहे के द्वारा अपने खेत में जो अनाज बोता है उसका समय अनुसार अंकुर प्रकट होता है, फिर समय आने पर वह वृक्ष होता और फलता भी है, तत्पश्चात अन्य समय में वह पकता है और अन्य समय में गृहस्थ पुरुष उसके फल को पाता है। इसी प्रकार सबके विषय में समझ लेना चाहिए, प्रत्येक कर्म का फल देर से ही मिलता है। संसार में गृहस्थ पुरुष जो बीज बोता है वही भगवान विष्णु की माया से समय अनुसार अंकुर और वृक्ष होता है, और यथा समय गृहस्थ पुरुष को उसके फल की उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य भूमि में चिरकाल तक जो तप करता है उसका फल देने वाले सचमुच देवता ही हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों के मुख में तथा ऊसर भूमि से रहित उत्तम खेत में मनुष्य भक्ति भाव से जो आहुति डालता है उसका फल उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति, कोई भी पदार्थ तपस्या के बिना नहीं मिलता, अतः तप के बिना क्या हो सकता है। जो भक्ति भाव से प्रकृति दुर्गा देवी का सेवन करता है वह प्रत्येक जन्म में विनयशील, सद्गुणवती तथा सुंदरी प्राण वल्लभा पत्नी को प्राप्त करता है। प्रकृति के ही वर से भक्त पुरुष लीला पूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, भूमि, धन और संतति को पाता है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप, कल्याण दाता और कल्याण प्राप्ति के कारण हैं। वे ज्ञानानंद स्वरूप, महात्मा, परमेश्वर एवं मृत्युंजय हैं। जो भक्ति भाव से उन महेश्वर का सेवन करता है वह पुरुष प्रत्येक जन्म में सुंदरी पत्नी पाता है, और उनकी आराधना करने वाली स्त्री प्रत्येक जन्म में उत्तम पति पाती है। भगवान हरेक वर से मनुष्य को विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र, पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो मानो ब्रह्मा जी का भजन करता है वह भी संतान और लक्ष्मी को पाता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मनुष्य को विद्या, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से दिननाथ, दिनेश्वर, सूर्य की आराधना करता है वह निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनंद, धन और पुत्र पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य सर्वेश्वर, सनातन, देवाधिदेव गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करता है उसके जन्म जन्म के समस्त विघ्नों का नाश होता है। वह सोते जागते हर समय आनंद का अनुभव करता है। गणेश जी के वरदान से उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्व की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करता है वह यदि वर पाने का इच्छुक हो तो उसे वह संपूर्ण वर प्राप्त हो जाता है, अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांत स्वरूप जगत पालक श्री विष्णु की सेवा करके सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, संपूर्ण धर्म तथा परम उत्तम यश एवं कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मूढ़ सर्वेश्वर विष्णु का सेवन करके उसके बदले में कोई वर लेना चाहता है उसे विधाता ने ठग लिया और विष्णु की माया ने मोह में डाल दिया। नारायण की माया सब कुछ करने में समर्थ, सबकी कारणभूता और परमेश्वरी है। वह जिस पर कृपा करती है उसे विष्णु मंत्र देती है। जो धर्मात्मा मनुष्य धर्म का भजन करता है वह निश्चय ही संपूर्ण धर्म का फल पाता है।
और इहलोक में सुख भोग कर परलोक में विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति भाव से आराधना करता है वह पहले उसी को पाता है, फिर समय अनुसार उस देवता के साथ ही वह उत्तम विष्णु धाम में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे तथा तीनों गुणों से अतीत निर्गुण ब्रह्म हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के सेव्य, उनके आदि कारण, परात्पर अविनाशी परब्रह्म एवं सनातन भगवान हैं। साकार, निराकार, ज्योति स्वरूप, स्वेच्छामय, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वेश्वर, परमानंदमय, ईश्वर, निर्लिप्त तथा साक्षी रूप हैं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता है वह सचमुच ही जीवन मुक्त है। वह बुद्धिमान पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक के आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को भी वह तुच्छ ही समझने लगता है। ब्रह्मत्व, अमरत्व और मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ सा हो जाता है। ऐश्वर्य को वह मिट्टी के ढेले के समान नश्वर मानता है। इंद्रत्व, मनुत्व और चिरंजीवत्व को भी पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर समझकर अत्यंत तुच्छ गिनने लगता है। सोते जागते हर समय श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। उनकी दासता के सिवा दूसरा कोई पद नहीं मानता। श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निरंतर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्ण काम हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्म का सेवन करके सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुल की करोड़ों, नाना के कुल की सैकड़ों तथा ससुर के कुल की सैकड़ों पूर्व पीढ़ियों का लीला पूर्वक उद्धार करके दास दासी, माता और पत्नी का तथा पुत्र के बाद की भी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्य तभी तक कामासक्त होकर गर्भ में निवास करता है, तभी तक यम यातना भोगता है और गृहस्थ पुरुष तभी तक भोगों की इच्छा रखता है जब तक कि श्री कृष्ण का सेवन नहीं करता। यमराज उस भक्त के कर्म संबंधी लेख को तत्काल भय के मारे दूर कर देता है। ब्रह्मा जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए मधुपर्क आदि तैयार करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो, वह मेरे लोक को लांघ कर इस मार्ग से यात्रा करेगा। कोटिशत कल्पों में भी उसका वहाँ से निष्कासन नहीं होता। जैसे सर्प गरुण को देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी श्री कृष्ण भक्त के भय से भयभीत होकर उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्री कृष्ण भक्त मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय हो गोलोक में जाता है। वहाँ जाने पर दिव्य शरीर धारण करके सदा श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण जब तक गोलोक में निवास करते हैं तब तक भक्त पुरुष निरंतर वहाँ उनकी सेवा में रहता है। श्री कृष्ण का दास ब्रह्मा की नश्वर आयु को एक निमेश भर का मानता है। ब्राह्मण द्वारा अपनी शक्ति का परिचय, मृतक को जीवित करने का आश्वासन, मालावती का पति के महत्व को बताना और काल, यम, मृत्युकन्या आदि को ब्राह्मण द्वारा बुलवाकर उनसे बात करना, यम आदि का अपने को ईश्वर की आज्ञा का पालक बताना और उसे कृष्ण चिंतन के लिए प्रेरित करना। ब्राह्मण बोले, पतिव्रते, इस समय तुम्हारे प्रियतम किस रोग से मरे हैं? मैं चिकित्सक भी हूँ, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा भी जानता हूँ। सती मालावती, कोई रोग से मृतक तुल्य हो गया हो अथवा मर गया हो, किंतु यदि एक सप्ताह के भीतर की ही घटना हो तो मैं उसे जीव चिकित्सा संबंधी महान ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर सकता हूँ। जैसे व्याध पशु को बांध कर सामने ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियों को बांध कर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने की शक्ति रखता हूँ। सुंदरी, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीर में न फैले वह तथा रोगों का जो जो कारण है वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं शास्त्र के तत्व ज्ञान के अनुसार उस उपाय को भी जानता हूँ जिससे व्याधियों का दुष्ट एवं अमंगलकारी बीज अंकुरित ही न हो। जो योग से अथवा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है उसके जीवित होने का उपाय क्या है, इसे भी मैं योग धर्म के प्रभाव से जानता हूँ।
ब्राह्मण की यह बात सुनकर सती मालावती के मन में उत्साह हुआ, वह मुस्कुराई, उसके चित्त में स्नेह उमड़ आया और वह हर्ष से भरकर बोली। मालावती जी ने कहा, अहो इस बालक के मुख से कैसी आश्चर्यजनक बात सुनी गई है। यह अवस्था में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु इसका ज्ञान योग वेताओं के समान उच्च कोटि का है। ब्राह्मण, आपने मेरे प्रियतम पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो गए। वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे प्राण बल्लभ को पीछे जलाइएगा। पहले मैं संदेहवश जो जो पूछती हूँ उसी उसी बात को आप बताने की कृपा करें। इस सभा में जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात नहीं पूछ सकूंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। इस सभा में ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं, वेद वेताओं में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु आप सब लोगों में से कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नी की रक्षा करता है तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, तथा यदि वह उसका शासन करता है या उसे दंड देता है तो इस भूतल पर दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इसी प्रकार देवताओं में, इंद्र में अथवा ब्रह्मा और रुद्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्री में पति पत्नी भाव संबंध जानना चाहिए। स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्ट देव तथा पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है वह सदा अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती है। जो स्वतंत्र होती है वह स्वभाव से ही दुष्टा है, उसे निश्चय ही कुलटा कहा गया है। जो दुष्टा है, मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती है, वही सदा अपने पति की निंदा करती है, अवश्य ही वह किसी नीच कुल की कन्या होती है। ब्राह्मण, मैं उपबरहण की पत्नी, चित्तरथ के पुत्री और गंधर्वराज के पुत्र वधु हूँ। मैंने सदा अपने प्रियतम पति में भक्ति भाव रखा है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप सबको यहाँ बुलाने में समर्थ हैं, अतः काल, यम तथा मृत्यु कन्या को मेरे पास ले आइए। मालवती की यह बात सुनकर वेद वेताओं में उत्तम ब्राह्मण ने उस सभा में उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावती ने सबसे पहले मृत्यु कन्या को देखा। उसका रूप रंग काला था, वह देखने में भयंकर थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह मंद मंद मुस्करा रही थी। उसके छह भुजाएं थीं। वह शांत, दयालु और महासती थी तथा अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी थी। तत्पश्चात सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, विकट तथा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। उसके 6 मुख थे, 16 भुजाएं और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या भी 6 ही थी। शरीर का रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्वसंहार रूपी काल का अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान है। उसके मुख पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती थी। उसने हाथ में अक्षमाला धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। इसके बाद सती ने अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याध समूहों को देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चों के समान दिखाई देते थे। तदंतर उसने यम को सामने देखा, जो धर्माधर्म के विचार को जानने वाले परम धर्म स्वरूप तथा पापियों के भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल थे, शरीर की कांति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्यनंदन यम परब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप रहे थे। उन सबको देख महासाध्वी मालावती के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने निःसंक होकर पहले यम से पूछा। मालावती बोली, धर्मशास्त्र विशारद, धर्मनिष्ठ धर्मराज प्रभो, आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हैं। यमराज ने कहा, पतिव्रते, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना
इस भूतल पर किसी की मृत्यु नहीं होती, जो मरा नहीं है ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल, मृत्यु कन्या तथा अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह, ये आयु पूर्ण होने पर जिनके मरण का समय आ पहुंचता है, उसी को ईश्वर की आज्ञा से ले जाते हैं। मृत्यु कन्या विचारशील है, यह आयु निःशेष होने पर जिसको प्राप्त होती है उसी को मैं ले जाता हूँ। तुम उसी से पूछो वह किस कारण से जीव को प्राप्त होती है। मालावती बोली, मृत्यु कन्या स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो? अतः प्यारी सखी बताओ, मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण बल्लभ को क्यों हर ले जाती हो? मृत्यु कन्या बोली, पूर्व काल में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए मेरी ही सृष्टि की। पतिव्रते, मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूँ। सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहाँ सारी ही आपत्तियों की शांति हो जाएगी। फिर मेरे पुत्रों और स्वामी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर ही मैं और मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं, अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरा निश्चित विचार सुनो। भद्रे, धर्म सभा में बैठने वाले जो धर्मज्ञ महात्मा काल हैं उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो वह अवश्य करना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं, कर्म स्वरूप हैं तथा नारायण के सनातन अंश हैं। भगवान, आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभो, मैं जीवित हूँ, फिर मेरे प्रियतम को आप क्यों हर ले जाते हैं? कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः सबके दुख को भी जानते हैं। काल पुरुष बोले, पतिव्रते, मैं अथवा यमराज किस गिनती में हैं? मृत्यु कन्या और व्याधियों की क्या विषाद? हम सब लोग सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण करते हैं, जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है, ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को प्रकट किया है, मुनिन्द्र मनु और मानव आदि समस्त जंतु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगी जन जिनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते हैं, जिनके भय से हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेश से शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं, कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सती मालावती जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फूल और फल धारण करते और देते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी जल का तथा समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है, क्षमाशील वसुधा जिनके भय से कभी कभी सहसा कंपित हो उठती है, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देने वाली प्रकृति जिनके भय से भयभीत रहती है, वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी जिनका अंत नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुति पाठ करते हैं, जिन तेजों में सर्वव्यापी भगवान की 16वीं कला स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं के नाम का जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल के काल, मृत्यु की मृत्यु तथा परात्पर परमात्मा हैं। उन्हीं श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो, वे कृपा निधान श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। सौनक जी, ऐसा कहकर काल पुरुष चुप हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुनः वार्ता आरंभ की। मालावती के पूछने पर ब्राह्मण द्वारा वैद्यक संहिता का वर्णन, आयुर्वेद की आचार्य परंपरा, उसके 16 प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तंत्रों का नाम निर्देश, ज्वर आदि 65 रोग, उनके हेतुभूत बात, पित्त कफ की उत्पत्ति के कारण और उनके निवारण के उपायों का विवेचन। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु कन्या तथा व्याधिगणों का साक्षात्कार कर लिया, अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था
उसे उसने उन जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। मालावती जी ने कहा, ब्राह्मण आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के नाना प्रकार के कारण हैं, उन सबका वेद आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन यूं है, जिसका निवारण करना कठिन है वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में न फैले उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो जो बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा ज्ञात नहीं है वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दिनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहाँ वैद्यक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के बीज के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत चार वेदों को प्रकट किया। उसके नाम हैं ऋक, यजु, साम और अथर्व। उन वेदों को देखकर और उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्य देव के हाथ में दे दिया। उससे सूर्य देव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोगनाशक के बीज रूप हैं मुझसे सुनो। धन्वंतर, काशीराज, दिवोदास, दोनों अश्विनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जाजल, पैल, करथ और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक वैद्य हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतर ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैद्यक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानार्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवनदाता नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वैद्य संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुद्ध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्रसार और जाजल मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पहल ने निदान तंत्र, करथ ने उत्तम सर्वधर तंत्र तथा अगस्त जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं तथा शरीर में बल का आधान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मथकर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सबको क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्व बीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत विकराल। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। यही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज, ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पांड, कामल, कुष्ठ, सोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, व्रण, फोड़ा, हलीमक, गुल्म, विशेष मेह, कुष्ठ
कुब्ज गोद गलकंड घेघा भ्रमरी सन्निपात विसूचिका हैजा और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेद को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्युकन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुण को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवे में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो बसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ चंदन लगाता और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता है, यथा समय आग तापता, तुरंत की तैयारी की हुई गरम गरम रसोई खाता, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। जो शिशिर ऋतु में गरम कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है, गरम जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समयानुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुँचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरा अवस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधि, 5 दिन से रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ सहर्ष पूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी, जो रात को दही खाते हैं, उल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरा अवस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, उल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरा अवस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है, पाप से ही दैन्य, दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो, कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है तथा सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुण को देखकर सांप। ऐसे पुरुष के पास जरा अवस्था नहीं आती और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालावती, वात, पित्त और कफ, ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले, तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्य प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैव का मरा हुआ
पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना, सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तक्र रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस और शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सबसे कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीर्य नाशक माना गया है। गंधर्व नंदनी, आग तपाकर शरीर से पसीना निकालना, भूजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हर्रे का सेवन करना, कच्चा पिंडारक पिंडारा, कच्चा केला, बेसवार पीसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, सिंधुवार सिंधुवार या निर्गुंडी, अनाहार उपवास, अपानक पानी न पीना, घृत मिश्रित रोचना पूर्ण घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक, अष्ट वर्गांतर्गत औषध विशेष तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु के उत्पत्ति के कारण हैं। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पिट्ठी, पुआ, कचौरी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हुआ हो, तुरंत का बासी अन्न, सौबीर, जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुनिग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमल पत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन वत्से, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में तीन प्रकार के वायु दोष होते हैं, शारीरिक क्लेश जनित, मानसिक संताप जनित और काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साध्वी, विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई एक वर्ष में भी नहीं कर सकता। शोभने, बताओ तुम्हारे प्राण बल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है? मैं उसका उपाय करूंगा जिससे ये जीवित हो जाएंगे। शौति जी ने कहा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मालावती बोली, विप्रवर सुनिए, सभा में लज्जित हुए मेरे प्रियतम ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण योग बल से प्राणों का परित्याग कर दिया है। मैंने आपके मुंह से निकले हुए अपूर्व शुभ एवं मनोहर आख्यान को
पूर्ण रूप से सुना है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब, किसको, कहां आप जैसे महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। विद्वन, अब मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए। मैं आप सब लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को जाऊंगी। मालावती का यह वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु उसके पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में गए। ब्राह्मण बालक के साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेव जी तथा धर्म की बातचीत देवताओं द्वारा श्री विष्णु की तथा ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट महत्ता का प्रतिपादन। सौति जी कहते हैं, ब्राह्मण को आया देख देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया। फिर वहां सभा में उन सबकी परस्पर बातचीत हुई। ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु हैं, यह बात देवताओं की समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्वापर की सारी बातें भूल गए थे। सौनक जी, उस समय ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी से वह सत्य बात कही जो प्राणियों के लिए परम कल्याणकारक थी। ब्राह्मण बोले, देवताओं, यह उपवरहण की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। पति शोक से पीड़ित होकर इसने स्वामी के जीवनदान के लिए याचना की है। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का आलंबन करना चाहिए। सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताएं जो सदा काम में लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होने पर समस्त देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत है। अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझा कर शांत किया है। सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्रीहरि की भी स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं। आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी जाएंगे। आकाशवाणी की बात तो अटल होती है, फिर वह विपरीत कैसे हो गई। ब्राह्मण की यह बात सुनकर साक्षात जगतगुरु ब्रह्मा ने यह परम मंगलमय सत्य एवं हितकर बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र नारद ही शापवश उपवरहण नामक गंधर्व हुए थे, फिर मेरे ही साप से उन्होंने योग धारणा द्वारा प्राणों को त्याग दिया। भूतल पर उपवरहण की स्थिति 100,000 युग तक नियत की गई थी। इसके बाद वे शुद्र योनि में पहुंचकर उस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी 1,000 वर्ष और बाकी है। मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से उपवरहण को जीवन दान दूंगा जिससे इस देव समुदाय को शाप का स्पर्श न हो। वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान है, वे ही सबके आत्मा है। आत्मा का पृथक शरीर कहाँ होता है। वे स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सबको देखते हैं। विश धातु व्याप्तिवाचक है और रू अर्थात सर्वत्र हैं। वे सर्वात्मक श्रीहरि सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर भीतर सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, कर्म के आरंभ मध्य और अंत में जो श्री विष्णु का स्मरण करता है उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला, मैं विधाता, संहारकारी, हर तथा कर्मों के साक्षी धर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोकों का संहार करता है, यम पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है, सर्वेश्वरी, सर्वाद्या और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञा का पालन करती है, वे भगवान विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं। महेश्वर जी बोले, ब्राह्मण,
ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है, विप्रवर तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम अभी बालक हो तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण करते हो, तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत करते हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो, यह आश्चर्य की बात है। उन परमात्मा के ही त्याग देने पर देहधारियों का यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्रिय वर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्हीं का प्रतिबिंब है, वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्रिय वर्ग, बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, निद्रा, दया, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव उन्हीं के अनुगामी माने गए हैं। वे परमात्मा जब जाने को उद्यत होते हैं तब उनकी शक्ति आगे आगे जाती है। उपयुक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्मा के आज्ञा पालक हैं। देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। उन ईश्वर या उनके अंशभूत जीव के निकल जाने पर शरीर शव होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी नहीं मानता। सबकी सृष्टि करने वाले साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा निरंतर उन भगवान के चरणार विंदों का चिंतन करते हैं परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब 1,00,000 युगों तक तप किया तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करके 1 सुदीर्घ काल तक जिसकी कोई गणना नहीं है तप किया परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है। अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रिय हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकाल तक तपस्या पूर्वक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही मैं समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ एवं मृत्युंजय हुआ हूँ। समय आने पर मैं उन्हीं श्रीहरि में लीन होता हूँ तथा पुनः उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती। ब्राह्मण जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं वे ही बैकुंठ एवं श्वेत द्वीप में भी हैं। जैसे आग और उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर में 2 इंद्र व्यतीत होते हैं। 28वें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की 1 पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की 1 श्रेष्ठ कला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता शौनक जी, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म बोले, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जो सबके अंतर आत्म रूप से प्रत्यक्ष हैं तथा दुरात्म पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश काल और वस्तुओं में विद्यमान होने पर भी जो तुमने यह कहा है कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया। तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मतिभ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुष की निंदा होती हो वहाँ साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभी पाक नरक में जाता है और वहाँ 1 युग तक कष्ट भोगता रहता है।
यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता और हंसता है वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। जहाँ श्रीहरि की निंदा होती है वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। वहां जाकर यदि भगवत निंदा सुनी गई हो तो सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के तीन भेद बताए थे। एक तो वह जो परोक्ष में निंदा करता है, दूसरा वह जो श्री हरि को मानता ही नहीं है, तथा तीसरी कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नराधम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक का नरक से उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भय के रक्षक तथा वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मशाली देवताओं, मैंने भगवान विष्णु की क्या निंदा की है? श्रीहरि यहाँ नहीं आए इसलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरों, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइए तो सही। यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक हैं तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए श्वेत द्वीप में क्यों गए थे? अंश और अंशी में भेद नहीं है तथा आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइए, श्रेष्ठ पुरुष कला अंश का त्याग करके पूर्णतम अंशी की उपासना क्यों करते हैं? यद्यपि पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उन्हें वश में कर लेना अत्यंत कठिन है और असाधु पुरुषों के लिए तो वे सर्वथा असाध्य हैं, तथापि लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े सभी परम पद को पाना चाहते हैं। जैसे बावना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं वे एक विषय देश में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा, महादेव, धर्म तथा दिशाओं के स्वामी दिक्पाल भी एक देश के निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देव समूह और चराचर प्राणी, ये सब भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक हैं। उन ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, जिसे सभी पाना चाहते हैं। वह सत्यलोक या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्राह्मण से ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्रीहरि चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहाँ सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव दो भुजाओं से युक्त राधा बल्लभ श्री कृष्ण रूप से निवास करते हैं। वहाँ बहुत सी गोपांगनाएं, गौवें तथा द्विभुज गोप पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे गोलोकाधिपति श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियों के आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छा में रूप धारण करके दिव्य वृंदावन के अंतर्गत रास मंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजो मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान हैं। योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति है। दो भुजाएं हैं, श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक है। वे लीला धाम हैं, उनका रूप अत्यंत मनोहर है, किशोर अवस्था है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं।
वैष्णव संत उन्हीं सत्य स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके वंश में हुआ है तथा तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार बार किया गया है। देवताओं, मैं जिसके वंश में उत्पन्न हूँ और जिसका बालक हूँ, शिष्य हूँ, उन्हीं का यह ज्ञानमय वचन है। तुम लोग इसे सुनो और समझो। देवेश्वर, सुरेश, गंधर्व को शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करने पर स्वतः ज्ञात हो जाता है